हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम कुछ जीन जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें हमने देखा था रेशो 12:3:1 का डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आज हम बात करेंगे अप्रभावी प्रबलता और रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस, व्हाट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस? देखो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमने देखा था कि जो एपिस्टेसिस या जो प्रबल जीन है वो है एक प्रभावी, जबकि यहां पर जो एपिस्टेटिक जो जीन है वो है अप्रभावी। और एपिस्टेसिस की जब एक जीन एक लोकस पर उपस्थित जीन किसी दूसरे लोकस पर उपस्थित जीन के प्रभाव को दबा देता है, उसके फीनोटाइप को बनने नहीं देता, वो कहलाता है एपिस्टेसिस। तो पिछले जो एग्जांपल था इसमें कद्दू में हमने देखा था वाइट येलो और ग्रीन कलर के जो कद्दू थे वो बनते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस, और इसका एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो है माउस के अंदर, स्किन कलर इन माउस, स्किन कलर इन माउस। तो मैं स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिख रहा हूं। देखो, चूहे में तीन प्रकार के कलर स्किन के कलर पाए जाते हैं। एक तो होता है ब्लैक, एक होता है एगाउटी जिसको हम अगूती भी कहते हैं, और एक होता है एल्बिनो। एल्बिनो मतलब वाइट। मैं इसका स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं। देखो, चूहों में त्वचा का रंग या चूहों में त्वचा का ब्लैक कलर कैपिटल सी जीन द्वारा बनता है। जब कैपिटल सी व कैपिटल ए दोनों प्रभावी जीन एक साथ हो तो एगाउटी बनता है। तो बनता है क्या? एगाउटी। लेकिन एक अन्य जीन स्मॉल सी जब कैपिटल ए के साथ हो तो यह कैपिटल ए के प्रभाव को दबा देता है। यहां पर ध्यान देना कि स्मॉल सी है, यानी कि अप्रभावी जीन है, और एल्बिनो चूहे बनते हैं। एल्बिनो चूहे बनते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट यहां पर है जो रिसेसिव एपिस्टेसिस को डिफाइन करता है, यानी कि इसमें जो कैपिटल सी है वो कैपिटल सी बना रहा है कैपिटल सी बनाता है ब्लैक कलर। कैपिटल सी जब कैपिटल ए के साथ होता है तो इनकी दोनों प्रभावी जीन जब एक साथ आ जाते हैं तो अगाउटी बनता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जब दोनों स्मॉल सी यानी कि हो जाएगा रिसेसिव,
ये जब कैपिटल ए के साथ हो जाता है तो स्मॉल सी कैपिटल ए के प्रभाव को दबा देता है और फिर ये अगर एल्बिनो चूहे उत्पन्न करता है। तो यहां पर हम ब्लैक कलर के और एल्बिनो कलर के जो चूहे हैं उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। देखो ब्लैक कलर कब बनेगा, ब्लैक कलर तब बनेगा जब ये दोनों कैपिटल सी होंगे और स्मॉल ए होगा। दिस इज ब्लैक। दूसरा एल्बिनो कब बनेगा, एल्बिनो तब बनेगा जब स्मॉल सी और कैपिटल ए होगा, ये बनेगा एल्बिनो। दिस इज एल्बिनो। जब इन दोनों में हम क्रॉस करवाते हैं तो यहां से आएगा कैपिटल सी स्मॉल ए और यहां से आएगा स्मॉल सी कैपिटल ए। इन दोनों में जब एफ वन बनवाते हैं तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। दिस इज एफ वन। अब ये एफ वन जो है, मैंने कहा कि जब कैपिटल सी कैपिटल ए के साथ हो, कैपिटल सी कैपिटल ए के साथ हो तो फिर ये अगाउटी कलर उत्पन्न करता है, तो ये बनेगा अगाउट। ये एफ वन है। एफ वन में सभी चूहों की जो स्किन है वो अगाउटी होगी। अब अगर हम इन्हीं चूहों में आपस में क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने के बाद जो एफ टू बनेगी उस एफ टू में रेशो किस प्रकार से आएगा। देखो इस एफ टू में अगर आप जाएंगे तो वही 9:3:1 का अनुपात आना चाहिए मेंडल के अनुसार, लेकिन ये कंडीशन कभी भी मेंडल के नियम का पालन नहीं करेगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या जीनोटाइप बन सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो एक जीनोटाइप हमारा ये रहेगा कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ई कैपिटल, ये स्टैंडर्ड एक जीनोटाइप है, ठीक है। फिर हम इनमें से एक को स्मॉल कर लेते हैं इस तरह से, फिर इन दोनों सी को हम कैपिटल कर देते हैं, इसमें एक को स्मॉल कर देते हैं और कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक बनेगा, ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे और ये बनेंगे चार, इस तरह से कुल मिलाकर ये बनेंगे नौ। ये कैसे बनेंगे, यहां पर कैपिटल सी और कैपिटल ए है, इसका मतलब है कि ये बनेंगे अगाउटी, तो ये कलर बनेगा अगाउटी अगाउटी कलर। उसके बाद दूसरी कंडीशन कैपिटल सी स्मॉल ए और ये बनेगा एक और कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए ये बनेगा दो, इसका बताएं। तो देखो मैंने बताया कि भाई ब्लैक कलर के जो चूहे बनते हैं वो कैपिटल सी जीन द्वारा बनते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल सी प्रभावी है तो ये ब्लैक बनेंगे तीन। उसके बाद एक कंडीशन होगी स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए ये बनेगा एक, ये बनेंगे दो, कुल मिलाकर के बनेंगे यहाँ पर तीन। और ये जो कलर है ये भाई देखो स्मॉल सी है तो स्मॉल सी कोई बदल स्मॉल सी कुछ नहीं, तो कैपिटल ए का जो प्रभाव है यहाँ पर देखो कैपिटल ए का जो प्रभाव है वो एल्बिनो का है, तो यहाँ पर ये एल्बिनो बनेंगे तीन। अब बचा हमारे पास स्मॉल ए एक, इसको अगर हम देखें तो ये कौन सा होगा, तो ये होगा एल्बिनो। क्यों हुआ एल्बिनो, क्योंकि न तो इसमें कैपिटल ए प्रभावी है और ना ही इसमें स्मॉल सी है। अगर कैपिटल सी होता तो ब्लैक बनता, कैपिटल सी और कैपिटल ए होता तो अगाउटी बनता, कैपिटल ए होता तो भी एल्बिनो बनता, और अब भी क्या बनेगा, ये एल्बिनो बनेगा। तो दिस इज एल्बिनो। तो यहाँ पर जो रेशो है वो मेंडल के अनुसार 9:3:1 का होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर होगा रेशो 9:3:4, 9 बने हैं अगाउटी, 3 बने हैं ब्लैक और 4 बने हैं एल्बिनो, तो ये भी मेंडल के नियम का पालन नहीं करना है। तो ये है जीन जीन इंटरेक्शन, इसमें एपिस्टेसिस और एपिस्टेसिस में भी ये है रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिनको हम अप्रभावी प्रबलता कहते हैं। स्किन कलर इन माउस, इसका जो रेशो है वो आता है 9:3:4।
देखो अलग अलग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई केवल यही एक एग्जांपल है, एनवायरनमेंट में या नेचर के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे हैं जो इसको फॉलो करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस चीज को आपको समझना है, ये सब तो सेम है, यहाँ पर कुछ और भी चीज चेंज हो सकती है। स्टेटमेंट जो है वो आपको समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आपको यहाँ से प्रभावी अप्रभावी और कौन कौन सी इंटरेक्शन होने से क्या बन रहा है, बस वही चीज समझनी है। एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पर ये नहीं, इसके स्थान पर कुछ और भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन। पूरक जीन जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक जीन, कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन या पूरक जीन। देखो इसमें यह है कि जब स्टेटमेंट है इसका कि जब किसी फीनोटाइप को कंप्लीट पूर्ण रूप से एक्सप्रेस होने के लिए दो नॉन एलिलिक जीन्स की आवश्यकता होती है तो इन्हें कंप्लीमेंट्री जीन कहते हैं, यानी कि एक अकेला कोई भी जीन उस फिनोटाइप को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस करने में असमर्थ होता है। तो ऐसी कंडीशन में कि जब किसी फिनोटाइप को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस करने के लिए दो नॉन एलिलिक जीन की आवश्यकता होती है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री जीन। अब कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन आपको दिखाई देता है, इसका एग्जांपल है लेथाइरस ओडोरेटस स्वीट मटर। देखो स्वीट मटर इसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस इसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक वाइट और एक होता है पर्पल। तो देखो पर्पल जो कलर है पर्पल ये बनता है ये एंथोसाइन से, ये बिल्कुल लगभग नीला सा होता है, एंथोसाइन का कलर होता है एंथोसाइन। और एंथोसाइन जो है एक पिगमेंट है जो पत्तियों में फ्लावर में देखा जा सकता है, एक स्ट्रेस पिगमेंट भी है, अगर किसी पौधे पर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो ये बता देता है इसका एक्सप्रेस होने से कि इसमें स्ट्रेस आ रहा है और ये पौधा अब इस स्ट्रेस को झेल रहा है, तो एक स्ट्रेस पिगमेंट है। तो देखो मटर के अंदर स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस में जो फ्लावर का कलर है वो दो प्रकार का है, पर्पल और वाइट। देखो एक जीन सी है इसमें, देखो पर्पल कलर कैसे बनता है, एक जीन सी, ये जीन जब प्रभावी है यानी कि जो जीन सी है इसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम होता है क्रोमोजन, यानी कि कैपिटल जीन सी एक प्रोडक्ट जिसको क्रोमोजन कहते हैं और ये एंथोसाइन का प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर ऑफ एंथोसाइन, यानी कि एंथोसाइन का निर्माण किसी से होता है।
ठीक है। एक दूसरा जीन है पी, ये भी ये एक एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम इस प्रीकर्सर को एंथोसाइनिन में कन्वर्ट करता है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर कैपिटल सी है अकेला तो केवल क्रोमोजोम बनेगा, अगर कैपिटल पी है अकेला तो केवल एंजाइम बनेगा, कोई भी अकेला जीन एंथोसाइनिन को नहीं बना पाएगा। अगर क्रोमोजोम है एंजाइम नहीं है तो भी नहीं बनेगा, एंजाइम है क्रोमोजोम नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों जीन्स का होना जरूरी है, अर्थात दोनों जीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए पर्पल कलर के लिए हम यहां पर क्रॉस करवाते हैं दो वाइट वाइट फ्लावर की किस्म या वैरायटी में। देखो अब वाइट फ्लावर हमें बनाना है तो वाइट कब बनेगा, जब ये एब्सेंट हो या फिर ये एब्सेंट हो। तो एक कंडीशन तो हम लेते हैं कैपिटल सी स्मॉल पी ये वाइट है क्योंकि तो इसमें केवल क्रोमोजोम बन रहा है एंजाइम नहीं बन रहा है। दूसरी कंडीशन स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी, इसमें देखो एंजाइम बन रहा है क्रोमोजोम नहीं, तो इसका नाम है ये वाइट है और ये भी वाइट है। यहां से आप देखेंगे तो कैपिटल सी स्मॉल पी, यहां से आप देखेंगे स्मॉल सी कैपिटल पी, दोनों में क्रॉस करवाया अब बनेगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। दिस इज एफ वन प्लांट। कलर कैसा होगा, मैंने बताया था आपको कि दोनों जीन जब प्रेजेंट होते हैं तो कैपिटल सी भी है कैपिटल पी भी है, तो इसके जो फ्लावर्स होंगे उनका जो कलर है वो होगा पर्पल। कैसा होगा, पर्पल होगा। अब इसके हम एफ टू में जाएंगे, ये तो एफ वन है, इनमें हम सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो एफ टू पीढ़ी में अगर हम जाएंगे तो अब हम इनका एफ टू के लिए जो इनका अनुपात है वो देखते हैं क्या होता है, क्या इनका फिनोटाइप हुआ। तो देखो सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड सबसे कैपिटल कैपिटल सभी, ये इस तरह से ये बनेगा अकेला अकेला बनेगा, उसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी देखते जाना, कैपिटल सी स्मॉल सी सॉरी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये दो और ये चार, ये बन गए टोटल नौ। अब नौ कैसे बनेंगे, इनका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप देखने के लिए हमको स्टडीज की आवश्यकता है। हमने यहां बता दिया कि जब कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो फिर होते हैं पर्पल, तो ये नौ बनेंगे पर्पल। ठीक है, अब जब आपने देख लिया कि भाई नौ पर्पल बनेंगे तो अब एक जब हम इतना आगे पढ़ चुके हैं तो हमको अंदाजा हो गया है कि अब इसके अलावा जितने भी जीनोटाइप होंगे उन सभी जीनोटाइप में से किसी में भी कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ नहीं आएंगे, कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ नहीं आएंगे किसी भी जीनोटाइप में नहीं आएंगे, इसलिए बाकी बचे हुए जो सात प्लांट हैं वो होंगे सफेद। देखो कैसे आते हैं, देखो कैपिटल सी स्मॉल पी एक बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल पी दो बनेंगे देखते जाओ, उसके बाद स्मॉल सी कैपिटल पी एक बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल पी दो बनेंगे और स्मॉल सी स्मॉल पी ये एक बनेगा। तो यहाँ पर देखो केवल कैपिटल सी है स्मॉल पी है तो भाई केवल क्रोमोजन बन रहा है एंजाइम नहीं है तो वाइट होगा, उसके बाद यहाँ पर कैपिटल सी तो है लेकिन स्मॉल पी है एंजाइम नहीं बनेगा वाइट होगा, यहाँ पर देखो क्रोमोजन ही नहीं बन रहा है एंजाइम बन रहा है वाइट होगा, यहाँ पर भी क्रोमोजन नहीं है एंजाइम बन रहा है वाइट होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है ना एंजाइम है ना क्रोमोजन है और इसका एक सप्लीमेंट बनता है कैपिटल वाइट। तो ये हो गए दो दो चार पांच छह सात, सात प्लांट हो गए वाइट। तो देखो मेंडल का जो रेशो कहता है कि 9:3:1 का होता चाहिए लेकिन यहाँ पर जो एक्शन आता है वो है 9:7, तो 9 बनेंगे यहाँ पर पर्पल और 7 बनेंगे यहाँ पर वाइट।
तो ये है कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन, एक जीन दूसरे से रिलेटेड है, अगर एक जीन नहीं तो फिर दूसरा भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह का लक्षण जो मानव में देखा जाता है वो है मानव में कंप्लीमेंट्री जीन का एक्शन है कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है जन्म से, जन्म जात, बाहर आके नहीं, जन्म जात। आपने देखा होगा कि जो गूंगा होता है ना वो बहरा भी होता है। तो ये गूंगा बोलने और सुनने का जो गुण है या ट्रेट है ये कंप्लीमेंट्री ट्रेट है। अगर कोई आदमी बोलेगा तो उसकी सुनने की क्षमता भी रहेगी, और जो वो नहीं बोल सकता तो उसकी सुनने की क्षमता भी नहीं रहेगी। तो गूंगेपन और बहरेपन का जो करैक्टर है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है मानव के। एक और जीन एक्शन जिसकी हम बात करें वो है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन देखो ये क्या होता है, देखो इसमें एक करैक्टर है लेकिन एक ही करैक्टर को बनाने के लिए दो अलग अलग नॉन एलीलिक जीन है, यानी कि जब एक ही लक्षण को या ट्रेट को दो अलग अलग नॉन एलीलिक जीन कंट्रोल करते हैं या निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो ये दोनों जीन डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं, यानी कि डुप्लीकेट। लक्षण एक ही है लेकिन बनाने के लिए दो अलग अलग नॉन एलीलिक जीन है, तो इससे हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट। और ये डुप्लीकेट जीन हमको देखने को मिलता है एक प्लांट है जिसका नाम है बर्सा पेस्टोरिस कैप्सेला या सेप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, या इसको हम सेफर्ड पर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में, बर्सा पेस्टोरिस और सेफर्ड पर्स ये प्लांट का, इसमें फलों का आकार, इनकी फलों की सेप दो प्रकार की, यानी कि ट्रायंगुलर वे तो लट्टूनुमा टोप सेपड़ होती है। अभी इसमें क्या बताया है, एक जीन है कैपिटल ए मान लीजिए, कैपिटल ए वे दूसरे लोकस पर उपस्थित कैपिटल बी जीन अकेले भी डायरेक्ट लग रहा हो, अकेले भी ट्राइएंगुलर शेप उत्पन्न करती कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है अकेले भी, मतलब चाहे तो ए हो और चाहे बी हो, कोई सा भी एक जीन हो वो ही ट्राइंगुलर बना सकती है। देखो कैसे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगुलर त्रिकोणाकार, ठीक। दूसरा है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, ये टॉप शेप है लट्टूनुमा, ठीक। यहां पर हम क्रॉस करते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पर क्रॉस करेंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी, इन दोनों में क्रॉस करवाया,
क्रॉस करवाने के बाद कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इसका एफ वन है। यहाँ पर हमको पता है कि ये ट्राइंगुलर ही बनेगा क्योंकि प्रभावी या डोमिनेंट करेक्टर है यहाँ पर ए और बी का। अब इसके हम एफ टू में अगर जाते हैं, एफ टू में तो देखो, एफ टू में जाने के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी अंदाजा आप लगा सकते हैं और पढ़ रहे हैं तो देखो, मैंने लिखा है कि ए व बी जी अकेले भी, चाहे तो ए हो और चाहे बी हो, उनमें से अगर एक भी जीन डोमिनेंट है तो फिर फल का आकार ट्राइंगुलर ही बनेगा। हाँ, जब चारों ही जीन अप्रभावी हो जाएंगे तो फिर टॉप शिफ्ट बनेगा। तो निश्चित रूप से आपको ये रेशो प्राप्त होगा जिसमें आप करके देख सकते हैं 15 इज वन का, यानी कि 15 तो ऐसे होंगे प्लांट जिनमें कोई ना कोई, चाहे तो ए और चाहे बी, चाहे तो ए हो और चाहे हो बी, ये डोमिनेंट होंगे। मैं लिख देता हूं, चलो सरलता के लिए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये एक दो दो और ये चार, तो ये हो गए टोटल 9। तो 9 जो है वो यहां पर होंगे आपके ट्राइंगुलर, 9 होंगे ट्राइंगुलर, ठीक है। उसके बाद और आगे चलो, तो कैपिटल ए स्मॉल बी या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी, ये भी इनवायरमेंट का एक भी जीन अगर प्रेजेंट है तो फिर क्या बनाएगा, वो ट्राइंगुलर बनेगा। और स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक जीन है तो भी ट्राइंगुलर बनेगा। केवल एक ही कंडीशन है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी जिसके अंदर ये टॉप शेपर बनेगा, बाकी 15 के 15 जीनोटाइप आपको देते हैं ट्राइंगुलर। तो यहाँ पर जो रेशो है वो मेंडल के रेशो से अलग है, 9:3:1 के स्थान पर 15:1 आता है। तो 15 बनेंगे ट्राइंगुलर, एक बनेगा टॉप शेप, ट्राइंगुलर और टॉप शेप। तो यह है एग्जाम्पल डुप्लीकेट जीन का, जिसमें आपको किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो जीन है और दोनों नॉन ऑर्डिनरी के अलग अलग स्थान पर हैं। अगर उनमें से कोई सा भी जीन प्रेजेंट हो और वो भी डोमिनेंट हो तो वो कैरेक्टर आसानी से बन जाता है, अर्थात एक जीन दूसरे का डुप्लीकेट है। एक और जीन एक्शन है जिसको हम कहते हैं इनहिबिशन या इनहिबिटर फैक्टर, इनहिबिटर फैक्टर। या इनहिबिटर जीन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसको हम संदमन कारक भी कहते हैं, इनहिबिट करता है, संदमन कारक। देखो ये चावल के अंदर देखा जाता है, चावल में, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेटमेंट, देखो चावल में, देखो चावल में सबसे सभी पादपों पत्ती हरी होती है, ठीक है, चाहे वो कोई सा प्लांट हो, चावल हो चाहे गेहूं हो चाहे कोई सा भी हो, पत्तियां हरी होती है। लेकिन चावल में क्या है कि पत्ती के किनारे पर एक एंथोसाइनिन का, यानी कि पर्पल बैंगनी रंग का धब्बा होता है, वो एक ट्रेट है, ठीक है। तो वो इस जीन का या इस इनहिबिटर जीन का एक उदाहरण है। तो देखो चावल में पत्ती का बैंगनी रंग कैपिटल पी जीन द्वारा निर्धारित होता है, ये स्टेटमेंट ही आपको समझनी है, निर्धारित होता है, ठीक है। चावल में पत्ती का बैंगनी रंग पी जीन द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। अब जब पी जीन निर्धारित करता है बैंगनी रंग को,
तो स्मॉल पी जीन ग्रीन रंग बनाता है या ग्रीन कलर बनाता है। अगर कैपिटल पी जीन नहीं है और स्मॉल पी जीन है तो फिर पत्ती पर एंथोसाइन का जो पिगमेंट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट, एक अन्य जीन, एक अन्य जीन आई कैपिटल आई जिसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि ये कोई फिनोटाइप नहीं बनाता है, नहीं होता, लेकिन जब कैपिटल पी जीन के साथ हो तो कैपिटल पी के प्रभाव को रोक देता है। रोक देता है और ग्रीन कलर बनाता है। ग्रीन कलर बनाता है यानी कि जो कैपिटल पी जीन है इसका अपना कोई कलर नहीं है, लेकिन सॉरी कैपिटल पी जीन है वो पर्पल बनाता है और कैपिटल जो आई जीन है उसका अपना कोई कलर नहीं है, लेकिन जब ये कैपिटल पी के साथ हो तो फिर पी के प्रभाव को रोक देता है और ग्रीन कलर बनाता है। तो हमको यहां पर क्रॉस करवाना है ग्रीन और पर्पल कलर की चावल की वैरायटीज के बीच में। तो ग्रीन कलर कब बनेगा? ग्रीन कलर ये भी बन सकता है, ये भी ग्रीन कलर है। और पर्पल कब बनेगा? पर्पल केवल इस कंडीशन में बनेगा जब दोनों कैपिटल पी हो। तो दिस इज ग्रीन, दिस इज पर्पल, ठीक है। एफ1 पी देखते हैं तो ये कैपिटल आई स्मॉल पी और दिस इज स्मॉल आई कैपिटल पी। एफ1 में जाएंगे तो कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी। अब देखो बेटा क्या होता है, कैपिटल आई कैपिटल पी के साथ आ गया है भाई। तो जब ये कैपिटल पी के साथ आ गया तो अब ये कैपिटल पी के प्रभाव को रोकेगा। देखो डोमिनेंट करेक्टर है पी, है ना, क्योंकि पी क्या बना रहा है? बैंगनी रंग बनाता है। लेकिन यहां पर कहा भाई एक जीन आई जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जब वो पी के साथ हो तो इसको बनने से रोक देता है। तो यहां पर ये कलर बनेगा ग्रीन, ठीक। अब एफ टू पीढ़ी देखिए इसकी, एफ टू पीढ़ी में जब ये आगे जाएगा सेल्फ होके तो देखो कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी। ये एक बनेगा, ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे, ये चार बनेंगे। तो यहां पर देखो ये टोटल बनेंगे नौ। तो नौ कैसे बनेंगे? देखो कैपिटल आई और कैपिटल पी दोनों एक साथ है, कैपिटल आई और कैपिटल पी दोनों एक साथ है, तो कैपिटल आई कैपिटल पी के प्रभाव को दबा रहा है, इसको उजागर नहीं होने देगा, रोक देता है, तो बनता है ग्रीन। तो ये सब बनेंगे ग्रीन, तो नौ बनेंगे यहाँ पर ग्रीन। उसके बाद कैपिटल आई स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी सॉरी स्मॉल पी स्मॉल पी, यहाँ एक बनेगा, ये बनेंगे दो, टोटल बनेंगे तीन। कैसे बनेंगे भी? जो कैपिटल आई ये हमारा एक पेरेंट भी है, कैपिटल आई स्मॉल पी तो ये बन रहा है ग्रीन, तो ये भी कैसा बनेगा? ग्रीन बनेगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल पी, ये एक बनेगा, ये बनेंगे दो,
यहाँ पर देखो स्मॉल आई है, कैपिटल आई नहीं है, जब कैपिटल आई नहीं है तो पी का प्रभाव रुकेगा नहीं, तो पी अपना कलर देता है, तो पी बनाएगा यहाँ पर पर्पल टी। दूसरा बचा लास्ट स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल पी, इसमें कोई ना पी कैपिटल है ना आई कैपिटल है, जब कोई कैपिटल नहीं तो ग्रीन बनेगा। अब देखो ग्रीन कितने बन गए, नौ बन गए ये ग्रीन, तीन बन गए ये ग्रीन, एक ये बन गया, तो नौ तीन बारह एक तेरह बन गए, तो नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक नहीं बनता है, बल्कि तेरह अनुपात तीन का अनुपात हमको प्राप्त होता है। तेरह बनते हैं यहाँ पर ग्रीन और तीन बनते हैं यहाँ पर पर्पल। इस तरह से कुल सोलह प्लांट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो ये था इनहिबिटर फैक्टर, क्योंकि इसमें जो आई है वो इनहिबिटर फैक्टर है जो कैपिटल पी के प्रभाव को रोकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स, कुछ जीन एक्शन जो जीन जीन इंटरेक्शन के हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।